स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की खबर से इस वक्त कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार। शुगर मिल महाप्रबंधक के ठिकानों पर रेड डाली गई है। डीसी गुप्ता के ठिकानों पर भी विजिलेंस की रेड पड़ी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमार कार्रवाई हुई है। डीसी गुप्ता के होटल घर पर भी छापेमारी की गई है। सीएम के निर्देश पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। तो भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार, आपको बता दें शुगर मिल महाप्रबंधक के ठिकानों पर रेड डाली गई है। ये बताया जा रहा है कि फिलहाल डीसी गुप्ता के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी है। ऐसे संपत्ति का ये पूरा मामला है जिसमें छापेमार कार्रवाई की गई है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो योगी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। शुगर मिल के महाप्रबंधक का जिन पर रेड डाली गई है, जिनके घर पर और मिल पर रेड डाली है। इस वक्त शुगर मिल के महाप्रबंधक है डीसी गुप्ता और विजिलेंस टीम ने ये रेड डाली है। ऐसे अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, बड़ा कह सकते हैं एक्शन यहां पर लिया गया है, सीधे तौर पर विजिलेंस की टीम ने रेड मारी है। क्या जानकारी और क्या अभी तक पता लग पाया है? बिल्कुल, देखिए योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। शुगर मिल के पूर्व महाप्रबंधक है डीसी गुप्ता, उनके ऊपर ये छापेमारी की गई है। इनके होटल्स पे, इनके आवास पर ये छापेमारी की गई है। आपको बताऊं तो 25 जुलाई को आय से अधिक संपत्ति के मामले पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की थी और विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर ने ये छापेमारी की है। उनके यहाँ तलाशी ली जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ऊपर एफआईआर की गई है। बताया ये जा रहा है कि इनके पास कई फार्म हाउस भी है जहाँ पर, जिस पर विजिलेंस की भी नजर है और जल्दी वहां पर भी विजिलेंस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत डीसी गुप्ता जो महाप्रबंधक पूर्व रह चुके हैं शुगर मिल के, उनके यहाँ ये छापेमारी की गई है। लखनऊ के विजयंत खंड इलाके में इनका होटल भी है और साथ ही इनके आवास भी हैं, वहां पर ये छापेमारी की गई है। विजिलेंस की कई टीमें एक साथ छापेमारी कर रही है डीसी गुप्ता के ठिकानों पर। और शुक्रिया आपका तुषार, तमाम जानकारी देने के लिए।